हेलो पिला माने आसिसन एजुकेशन यूट्यूब चैनल ले तुम मानकु स्वागत। तो पिला माने तुम माने थंबनेल देखि जानि सथिबो आज हमें कोन पढिबा को जाउछन। तो पिला माने या पूर्वर हमें कोन कोन पढिथिले ना या पूर्वर हमें पढिथिले कोन ना हमें एनवायरनमेंट पढिथिले जहा के पिला माने आपन मानकर गोटे कंपलसरी कोर्स रही छि हमरा प्लस 3 पिला मानन को पई एनवायरनमेंटल साइंस। तो से ईवीएस बा एनवायरनमेंटल स्टडीज हमें जहा को कहउछन से ईवीएस रा हमें पार्ट बाय पार्ट पढिथिले पिला माने। तो तुम्हारा ईवीएस रा फर्स्ट यूनिट कोन थिला ना द एनवायरनमेंट एवं द एनवायरनमेंट अंडर रे तुम्हारा किछि पार्ट्स थिला पिला माने बुझियाला। तो हमें सेही पार्ट्स निको पढुथिले। तो द एनवायरनमेंट रे कोन थिला ता सहित जो माने पिला माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई प्रिपेयर होछ समान को पई मध्ये ए वीडियो यूजफुल हबो। तो जो माने हमर नॉर्मल रहले कोन हमें कोन पढुथिले द एनवायरनमेंट मु आपन मानको फर्स्ट क्लास रे पढे देथिली जे हमर एनवायरनमेंट कोन एनवायरनमेंट रो डेफिनेशन कोन देन आपन मानको मध्ये आउ किछि थिला पिला माने एनवायरनमेंट अंडर रे तुम्हारा चारटी पार्ट थिला पिला माने। ओके तो एनवायरनमेंट अंडर कौन कौन थिला ना द एटमॉस्फेयर देन लिथोस्फीयर देन हाइड्रोस्फीयर देन बायोस्फीयर। तो ता भीतर हमें कौन पढ़ी पिला माने ता भीतर हमें पढ़ी आमर एनवायरनमेंट तो पढ़ी थे तापर हमें एटमॉस्फेयर मध्य पिला माने पढ़ी थे बुझे कि नहीं। तापर वर्तमान रो क्लास हमें पढ़ा लिथोस्फीयर। सो डायरेक्टली जी हमें टैप स्क्रीन को एवं स्क्रीन में तुम मानक डायरेक्टली डायग्रामेटिकली सब किसी देखे कि सब किसी पार्ट्स आपर लिथोस्फीयर आम जो पढ़ा क्यों लिथोस्फीयर अच्छी कौन लिथोस्फीयर पूरा डायग्रामेटिकली बुझा। ओके पे तो चलते जीवन डायरेक्टली स्क्रीन को पूर्व जो तुम मैंने एजाए आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेल सब्सक्राइब कर निश्चित भाव कौन कर बेल आइकन में क्लिक करदेव जोद्वारा सब बेले समस्त अपडेट्स तुम मानक पाखक पहुंच पार। और गोटे मेन कथा पे तुम्हें जो कलेज भी पढ़ु प्लस थ्री फास्ट इयर पिला होती जो कलेज भी पे पढ़ु भिडियोट को पे निज निज रेस्पेक्टिव अनर्स ग्रुप निजस्व किसी गोटे अनअफिशियाल ग्रुप थी कि गोटे एजुकेशन जिनस। तो तुम निज ग्रुप सेयार कर पार तुम फ्रेंड्स मानक जन पार। सो जी जो कलेज पढ़ु निज अनर्स ग्रुप रेस्पेक्टिव ग्रुप सेयार करदेव। ओके तो चल आउ डेरी न करके आम जा क्लास को। सो देख पे आम आज कौन पढ़ुंट ना लिथोस्फीयर। तो आम स्क्रीन को आसगले पे तुमको डायग्रामेटिकली सब किसी देखेदेवी। तो देख पे आम जो लिथोस्फीयर पढ़ा लिथोस्फीयर मीनिंग कौन जितेबले आम एटमॉस्फेयर पढ़ी से ही टाइम आम एयर विषय में पढ़ी पे आम वायुमंडल संपर्क में पढ़ी वायुमंडल आम कौन यो एयर्थ पे सरफेस रही एयर्थ सरफेस ऊपर को आम पढ़ी पेटा हूँ कौन ना जितक किलोमीटर पर्यटन भी आम पढ़ी से एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर मान कौन ना जितने रॉकी एयर पे मैंने रॉक को तुम जहाँ कह तुम पत्थर व शिला तुम जहाँ कह तो से पार्ट गुड़ को कहर कौन ना लिथोस्फीयर। तो से गुड़ा क्योंकि अच्छी ना आर्थ सरफेस टू आम भितर को पे अच्छी देख तार लेयार होमती मुझ तुमको एटमॉस्फेयर रे ऊपर को लेयार कही सेमती पे देख ये लिथोस्फीयर में तल को लेयार होती अच्छी तुमको मुझे देखे दूसरी मत पे कम्प्लीट पे देख तुम लिथोस्फीयर रही डायग्राम टी पे देख ये हूँ नॉर्मली आर्थ रु गोटे पार्ट को आम वन फोर्थ पार्ट को ठीक बाहर को अणा जामर डायग्राम तुम मानक शो कर। ओके देख नॉर्मली तुम मान आर्थ जो रहा आर्थ सरफेस ये तुम आर्थ सरफेस। तो ये आर्थ सरफेस तल को तुम लेयर लेयर होने कौन ना लिथोस्फीयर बुझीगला। तो ये देख लिथोस्फीयर क्रस्ड एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। तो ये जो पार्ट टी पे रही तुम मैंने डायग्राम देखिपुर आम सॉइल जस्ट तल को पे 0 to 100 किलोमीटर पर्यटन अर्थात आम माटी जो आम कौन कर माटी जो खोलुंच लोक मैंने किंबा तुम जेकोसी कूपाई तो 100 किलोमीटर पर्यटन जो पार्ट टी रही पे तुम कह जाए कौन ना क्रस्ड कहुए पे बुझीपाल तुम 100 किलोमीटर पर्यटन जो रही कह जाए क्रस्ड। तापर पे देख तुम से 100 किलोमीटर पर ठार पे आम कौन ना 2900 किलोमीटर पर्यटन जीक रहा कह जाए कौन ना आम फास्ट कहगला कौन ना आस्थेनोस्फीयर एटा को मेंटल कह जाए सहित कौन कह देख लिखाई मतलब ये पार्टी को 0 to 100 किलोमीटर पर्यटन ये मतलब देख लिखाई लिथोस्फीयर क्रस्ड एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल देन ये नॉर्मल मेंटल देन तर कि रही सॉलिड बुझीगला। तो ये गला कौन ना 100 to 2900 किलोमीटर पर्यटन तापर 2900 रु पुणी आम 5100 पर्यटन आम आउटर कोर तापर आम 5100 रु 6378 किलोमीटर पर्यटन आपण मान इनर कोर बुझीगला। तो ये आम यो टोटाल पॉइंट अच्छे 6378 किलोमीटर पर्यटन आम मटी तल को पे अच्छी बुझीपाल मुझे कौन कहक चाहूँ मैंने आम जो मटी खोलुँच जमी आम ऊपर को जाऊँ हजार हजार किलोमीटर लक्ष लक्ष किलोमीटर पर्यटन तुम मैंने जो कौन सूर्यर दूरता के अन्य ग्रहर दूरता के सही सब पे तुम मैंने जापार कौन ना तुम मानक
6378 किलोमीटर भितर को पर्यंत आपण मानकर माटी भितर को अछि जेतबे हमर ट्यूबवेल खोला जाउ छी कार 300 किलोमीटर पर्यंत हमर कोन हमर डिफरेंट डिफरेंट हमर मीटर सिस्टम रे हमर कोन ना तळ को ओपन कर देम हमर कोन माटी खोला जाय थाय तो सेही सिस्टम रे पिला माने तमरो एटा क्रस्ट रही सेही काम टी हेय थाय पिला माने ओके तापर हम तळ को जीवा ता विषय जानिबा देखो तुम मन को पाई नोट्स मध्ये प्रिपेयर कर दिया है छे तुमको कोन ना सेही पार्ट टी मु तुमको जहा देखैली बुझियला तापर देखो ए लिथोस्फियर इज द रिजिड आउटर मोस्ट रॉकी सेल बुझियला तो इटा हो जे हमर कोन ना गोटे ए लिथोस्फियर इज द रिजिड आउटर मोस्ट रॉकी सेल ऑफ ए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और नेचुरल सैटेलाइट तुम नॉर्मली तो सैटेलाइट माने कृत्रिम उपग्रह तुम जानिछो उपग्रह जानिछो हमर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जोटा कि आम आकाश को साइंटिफिक रिसर्च सेंटर द्वारा कौन पठा जाऊँगी बट नेचुरल सैटेलाइट माने कौन ना आम नॉर्मली उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट अर्थ किए ना अर्थ रोचे मून हूँ नेचुरल कौन ना सैटेलाइट से टाइप रे डिफरेंट डिफरेंट अच्छी आप शनि दीटा अच्छी गोटे हूँ टाइटन आपने जानी थो तो यही सिस्टमेटिक्स जहाँ भी नेचुरल सैटेलाइट्स रही किंबा जी प्लानेट्स रही जो कौन ना जीवजगत संभव हो पारी तो से सब पे तुम मन जो रिजिड पार्टी रोचे आउटर मोस्ट रॉकी सेल टी रोचे आम लिथोस्फीयर कहीपुर ऑन अर्थ इट इज कंपोज्ड ऑफ द क्रस्ट एंड द पोर्शन ऑफ द अपर मेंटल दैट बिहेव्स इलास्टिकली ऑन टाइम स्केल्स ऑफ द अप टू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स और मोर तो हजार हजार वर्ष धरिक कौन हो इलास्टिकली बिहेव सी करुच्चर ह्वाट इज लिथोस्फीयर एक्सप्लेन करने देख द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ तुम जो डेफिनेशन लिखु पे एम लिखिपार जमी नोट तुमको लिखी पे देख द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ द लिथोस्फीयर इनक्लूड्स द बिटिल अपर पर्सन ऑफ द मेंटल एंड द क्रस्ट द आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर जहां मुझे तुमको डायग्राम पे देखी पे पूर्व जस्ट डायग्राम टी मन रखीद तुम आराम से विषय में लिखिपार बुझेगा जस्ट खाली कौन कौन कंपोज लिखीद इट इज बाउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर अबव एंड द एस्थेनोस्फीयर अनदर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल मुझे कही जो उपर पार्ट पे ये एस्थेनोस्फीयर जोटा कि तुम कौन ना क्रस्ट पार्ट टी रही जो क्रस्ट पार्ट टी से क्रस्ट पार्ट अपर पार्ट टाक तुम कहुए एस्थेनोस्फीयर बुझीगला कौन ना एयर आम जो अर्थ सरफेस रही रहा एटमॉस्फेयर तो एपटे एटमॉस्फेयर एपटे आम एस्थेनोस्फीयर तो से जो अर्थ सरफेस मिडिल पोर्सन टाइम कौन बाउंडेड है अच्छे क्या द्वारा एटमॉस्फेयर आउ एस्थेनोस्फीयर द्वारा एस्थेनोस्फीयर टा कौन ना तलपटु और एटमॉस्फेयर टा ऊपर पार्श्वे बुझीगला देख व्हाई इट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर एक लिथोस्फीयर कौन पाई कहिबा द लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ अर्थ गोटे आउटर मोस्ट लेयर कंपोज्ड ऑफ द क्रस्ट एंड द ब्रिटल पार्ट ऑफ द अपर मेंटल जहाँ कहली द टर्म लिथोस्फीयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस तो ये जो आम लिथोस्फीयर वार्ड टी पे गोटे ग्रीक वार्ड रु डिराइव होती तुम सर्ट क्वेश्चन आसपे क्यों वार्ड रु डिराइव होती तो लिथोस वार्ड रु एवं ग्रीक वार्ड लिथोस वार्ड रु ओके जहाँ मीनिंग पे हूँ कौन ना स्टोन बा पत्थर बुझीगला तो एवं स्पारिया कौन कहले आम दीटा वार्ड देख लिथोस्फीयर जो अच्छी ये दीटा ग्रीक वार्ड रु गोटे हूँ लिथोस आ गोटे हूँ स्पारिया लिथोस मीनस हूँ स्टोन आउ स्पारिया मीनिंग हूँ ग्लोब बा बॉल तो आम पृथ्वीटा कौन गोटे ग्लोब पृथ्वीटा हूँ गोटे बॉल टाइप रो से पे तुम कौन कहु देख ये आम पृथ्वी देखुं पृथ्वी फुल पार्टा आपर लिथोस्फीयर कारण देख मुझ तुमको गोटे पार्ट देखे थी एमती गोटे पार्ट देखे थी तार सब लेयर देखे थी सेम सब सैड पार्ट्रे थी तो सही आम गोटे ग्लोब गोटे गोलाकार वस्तु जहाँ गोटे गोलाकार एरिया आपारे जहाँकि आम स्टोन बुझीगला पत्थर से बुझिपार तो से कहुए कौन ना आम लिथोस्फीयर बुझीपार नेक्स्ट आम कौन कौन अच्छे देखा ना व्हाट इज द लिथोस्फीयर मेड अप ऑफ तो आम लिथोस्फीयर कहीं देख द लिथोस्फीयर इज द रिजिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एंड इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स मुझे गोटे रॉकी एरिया तो निहत भाव कौन रॉक्स शिड़े या सहित आम प्रत्येक शिड़ा भितर आम कौन ना गैप रोच गैप्रे आम मिनरल्स अच्छी खनिज लवण जो तुम कौन से मिनरल्स इट इज मेड अप ऑफ द एंटायर क्रस्ट एज वेल एज द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल दिस रिजिड लेयर ऑफ सॉलिड रॉक फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ द एस्थेनोस्फीयर तो एस्थेनोस्फीयर जो टॉप रही टॉप फ्लोट्स करती रॉक गुड़ाक फ्लोट्स करती माने से जो आम सॉइल मैंने तुम भावन कि वाटर मानते वाटर रे फ्लोट्स करुँचा बट आम तल को वाटर रही जमी आम गोटे ट्यूबवेल ओपन करुँच तो ट्यूबवेल खोलुँच आम कौन आम
वाटर कौन वाटर आसमेटिक्स तुम मान वाटर अच्छी रक अच्छी देखी थी तुम मैंने ट्यूबवेल ओपन ट्यूबवेल खोलिया टाइम प्रबल मात्रा पथर गुंड आए तो से गुडा लिथोस्फीयर एरिया जाए ए लेयर ऑफ प्लास्टिक लाइक रॉक इन द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल जोड़ा को हम कहउछंती कोन ना एस्थेनोस्फीयर ओके हु डिस्कवर्ड लिथोस्फीयर तो जो लिथोस्फीयर पार्ट तार कांसेप्ट किए देथिले द कांसेप्ट ऑफ द लिथोस्फीयर एज अर्थ स्ट्रांग आउटर लेयर वाज डिस्क्राइब्ड बाय ए ई एच लव इन हिज 1911 मोनोग्राफ तो तांकर गोटे थिला ए ई एच हमर देथिले तांकर गोटे थिला लव इन हिज 1911 मोनोग्राफ देटा सम प्रॉब्लम्स ऑफ जियो डायनामिक्स एंड फर्दर डेवलप्ड बाय जोसेफ बारेल जियो डायनामिक्स माने कौन जियो माने पिला माने तुमर कौन देखो तुम माने जियोमेट्री जानी जियोमेट्री आम दिटा करती गोटे मेट्री माने मापिबा जियो माने कौन अर्थ तो आम अर्थ को मापी गुड़ा कहते कौन ना जियोमेट्री से टाइप जियो डायनामिक्स माने आम जो डायनामिक्स रिसर्च कर जियो उपर पे मैंने आमर कौन अर्थ उपर पुणी कौन फर्दर डेवलप कर जोसेफ बारेल द्वारा हु रोट ए सीरीज ऑफ पेपर्स अबाउट द कांसेप्ट एंड इंट्रोड्यूस द टर्म लिथोस्फीयर तो आम जोसेफ बारेल इंट्रोड्यूस कर लिथोस्फीयर देन व्हाट आर द मेन फॉर्म्स ऑफ लिथोस्फीयर तो टाइप्स ऑफ लिथोस्फीयर तुम जाऊँ गोटे ओसेनिक आउ गोटे हूँ कंटिनेंटल तुम जानते हो ओसेनिक ओसेन मान कौन कंटिनेंट मान कौन जान आम पृथ्वी से देख आम ओसेन हूँ कौन आपण मान सागर महासागर तापर कंटिनेंट माने कौन ना तुम मान महादेश बुझेगा तो सतट महादेश तुम आम जो अच्छी सतट महादेश पांचटी महासागर बुझेगा तो मैंने नेम जान पा मैंने नेम कह जरूरत नुहे आम महादेश मान भर किए किए जाऊँ एशिया देन आफ्रिका देन यूरोप देन उत्तर आमेरिका दक्षिण आमेरिका ऑस्ट्रेलिया आंटार्कटिका ये आप सतट देश सतट महादेश जाऊँ बुझेगा से टाइप तुम पांचटी महासागर जान तुम मैंने प्रशांत महासागर देन भारत महासागर देन टाइप तो ये जो आम दीटी पार्टी जाऊँगी सब आम कौन रोचे आम लिथोस्फीयर रोचे तापर से कही द लिथोस्फीयर कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स सच एज द इग्नियस सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स तुम मैंने सीबीएसई पिला किए अच्छ देन तुम फिफ्थ क्लास में युवा पढ़ी थो पाने अदरवैज तुम मैंने टेन्थ बेलू पढ़ी थी सीबीएसई पिला जो मैंने अच्छे आम नर्माल तो सीबीएसई पिला फिफ्थ क्लास युवाई आम रॉक्स रो टाइप्स गुड़ाक आम जो मैंने सीएचएससी पिला से टेन्थ बेलू थी इग्नियस रॉक सेडिमेंटरी रॉक मेटामॉर्फिक तो जो मैंने सीएचएससी पिला से ओडिया पढ़ी थी बट जो मैंने सीबीएसई पिला तो युवा विषय में बहुत भल भाव में जानी थोड़ा आम कौन ना इग्नियस कौन सेडिमेंटरी कौन तुम जो लाइमस्टोन रही तुम क्या अंडर जाऊँच देन तुम ग्रानाइट रही क्या अंडर रोचे तो जी प्रकार सब यही भितर ही जाऊँच इग्नियस सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक रॉक्स तीन टा टाइप्स पिला मैंने या अंडर ही तुम सब जाऊँच से लाइमस्टोन हो तुम जिते प्रकार पत्थर देखु तुम जो आम घरे सजेवाई जो पत्थर आणुच्चा स्टोन आणुच्च तुम डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी यूज होगा जो यूज होपर डिफरेन्ट डिफरेन्ट तुम मानक कौन नेसीस रही आहरी बहुत सारा पे रक्स रही जोड़ा या अंडर हिं आसुँच बुझेगा इट हेल्प टू प्रोवाइड द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड टू द प्लांट तो आम प्लांट को जहाँ जहाँ रिक्वयर करें मिनेराल्स हो कि खनिज धातव लवण हो सब से प्रोवाइड कर द मेंटल व्हिच लाइज बिटवीन द कोर एंड द क्रस्ट तो ये मेंटल जो कहुच्छे सी आम कौन ना कोर आउ क्रस्ट मझे रही है तुमको क्रस्टा कहली आम 0 to 100 किलोमीटर भितर तापर 100 to 2900 किलोमीटर पर्यटन कौन कहली मेंटल तापर 2900 to 6000 आमर कौन 378 पर्यंत मु कहली कोर गोटा इनर कोर आ गोटा आउटर कोर फास्ट आउटर कोर तापर इनर कोर टोटल ला होची कोर तो ई कोर आउ क्रस्ट मझीरे अछि आमर किए ना मेंटल बिला माने बुझिएला तो माने से डायग्राम ता देखि कि जान पारि थिबो डायग्राम रो स्टार्टिंग रे तुमको देखैथिली ओके तापर कोन कहिछि देख ता कहिला द मेंटल व्हिच लाइज बिटवीन द कोर एंड द क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ मोल्टेन रॉक तो सेम आमर जो मेंटल रहिला से कौन कैर ना गोटे मोल्टेन रॉक टी आम कंटेन करें जहाँ को कह जाए पे मैग्मा आम पढ़ी लाभा मैग्मा ये सब पढ़ी तो आम कोर को जिते बाहरी से तुम मैंने लाभा जापर देन आम ये कौन अच्छे मैग्मा व्हिच मूव्स कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करेन्ट्स तो कन्वेक्शन करेन्ट पर मूव कर जानव आगर मोर जियोग्राफी पढ़ी तुम कौन आम मैग्मार कौन मूवमेंट विषय व्हाट इज द फास्ट लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर तो लिथोस्फीयर रो फास्ट लेयर कौन ना क्रस्ट मुझे तुमको जो लेयर विषय कही पे मैंने कौन मेकअप ए जोन ऑफ रिजिड ब्रिटिल रॉक कॉल्ड द लिथोस्फीयर द लेयर बिलो द रिजिड लिथोस्फीयर इज ए जोन ऑफ आसफाल्ट लाइक कंसिस्टेंसी कॉल्ड द एस्थेनोस्फीयर जो तुमको आगे मुझे कही सारी द एस्थेनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ मेंटल दैट ग्लोस एंड मूव्स द प्लैनेट्स ऑफ द अर्थ तुमको कही सारी हाउ बिग इज द लिथोस्फीयर
लिथोस्फीयर केते बड पिला मान माने जानि पर फुल अर्थ रे आमो लिथोस्फीयर लिथोस्फीयर रिजिड रॉकी आउटर लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ द क्रस्ट एंड द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अपर मेंटल इट एक्सटेंड्स टू ए डेप्थ ऑफ अबाउट 60 माइल्स पिला माने तो लिथोस्फीयर तमरो जहा कहू छन हम 100 किलोमीटर पर्यंत जो क्रस्ट पार्ट ती पिला माने कहू छ तमरो 100 किलोमीटर पर्यंत अछि जहा कि 60 माइल्स इट इज ब्रोकन इनटू अबाउट ए डजन सेपरेट तो डजन डजन हमरो डजन माने कोन 12 टा हमरो सेपरेट विभाग रे विभाजित होई छि रिजिड ब्लॉक्स और प्लेट्स सी प्लेट्स टेक्टोनिक्स ए टाइप रे पिला माने हमरो कोन ना डिवाइड होई छि पिला माने बुझल त जानि पालल हमरो देन आउट हमरो यूजेस तीन ती पिला माने कहि छि यूजेस तीन ती जानि लियो लिथोस्फीयर प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट ये हमको फॉरेस्ट प्रोवाइड करू छि बिकॉज़ हमरो जहा घंच अरण्य सब एरिया रे होई छि देन ग्रासलैंड प्रोवाइड करू छि फॉर ग्रेजिंग हमरो कोन कैटल चरिया पई हो कि मा जे के भी हमरो पशु पक्षी रहि छन तांका पई देन लैंड फॉर एग्रीकल्चर हमरो एग्रीकल्चर पई ह्यूमन सेटलमेंट्स बिल्डिंग्स बनेबा पई हो ह्यूमन कर जहा भी नेसेसरीज को फुलफिल करिया पई इट इज आल्सो ए टीजर ऑफ कोन वेरियस मिनरल्स तो वेरियस मिनरल्स एटा हमरो रुचि रहि छै भितरे बुझियला सो इथिले आपन मानकर लिथोस्फीयर क्लास टी तो या पर पण आमे पढिबा कोन ना हाइड्रोस्फीयर तो तुम माने पूर्व क्लास गुड़ी को देखि ना त डिस्क्रिप्शन रे लिंक मिल जइबो से तुम माने से क्लास गुड़ी को देखि पारियो पिला माने बुझियला सो आज पय एतिक विदाय अनुछु मु आशीष धन्यवाद।